कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। मेरठ यातायात पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शहर में बड़े पैमाने पर डग्गा मार बसों के अलावा बिना पंजीकरण के ई रिक्शा धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। मेरठ मंडलायुक्त शैलजा कुमारी जैन ने भी हाल ही में बुलाई बैठक में इस पर नाराजगी जताई थी, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। शहर के सभी चौराहों पर यातायात पुलिस को भारी नंबर वाली गाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए देखा जा सकता है। आज भाजपा से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए SSP ऑफिस पर ज्ञापन दिया। इस मौके पर मौजूद SP ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव को भी उन्होंने इस अवैध वसूली की जानकारी दी। देखिए क्या बातचीत हुई भाजपा नेता अतीक चौधरी व SP ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव के बीच। शासन में जगह अभियान चलता है, अब तक चलाया जाता है, बगैर हेलमेट का हुआ तो चलान किया जाएगा, 3 सवारी होगा चलान किया जाएगा, रोक करके अगर पेपर नहीं होगा चलान किया जाएगा। रही बात प्रदूषण की, मेरी सभी से अपील है कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट बनता है, 60-70 रुपये का सभी लोग बनवाना है। और जो अवैध आपने बात की, अभी जाके देखिए कल 61 गाड़ियाँ 61 टेम्पो और ई रिक्शा बंद कराए पुलिस लाइन में खड़े हुए हैं, सभी लोग जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी के प्रति पक्षपात पूर्वक नहीं करते, ना किसी के माथे पर लिखा कौन क्या है, अगर पेपर नहीं होंगे तो चलान होगा। हाँ, आपकी बात सही है कि अगर किसी के पास छोटी मोटी त्रुटि है तो उसको समझा के छोड़ दिया जाए कि भैया आगे के लिए कर दिया, ये हम बताते हम इसलिए कर रहे हैं। आप अच्छे अधिकार, अरे नहीं ठीक है, संदेश चला जाए। चलो मैं ठीक कह दूंगा, और वास्तविकता में यह है कि हर भैया ऐसा हो गया घर से बाहर को निकल गया 10 कदम पे भी लेके चलना चाहिए पेपर, ये बताओ दिल्ली से पूछने के लिए जा रहा है। हाँ, दिल्ली में क्यों करते हो, दिल्ली में हेलमेट लगा ले, वहाँ दूध भी लेने जाओगे, यहाँ नहीं करते। हमारे शासन के और आप, मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंट होता तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं लगा था, बड़ी भारी समस्या है मेरठ की, डेथ रेट है बहुत जबरदस्त, यहाँ इतने की सड़कें सब बढ़िया बढ़िया हो गई हैं, पिकअप वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, रोड एक्सीडेंट का रोज एक आदमी मरता है, उस परिवार का भी दर्द कभी दर्द हो गया, हेलमेट नहीं पहनते हमारी नब्बे, हम उससे कभी नहीं पूछते RC कहाँ है। इस मौके पर फर्स्ट बाइट टीवी से भाजपा नेता अंकित चौधरी ने यह कहा। आज जो मामला है ट्रैफिक पुलिस की, लगातार बहुत दिनों से लगातार शिकायतें आ रही है, बहुत लोगों ने शिकायत करी, चाहे वो BJP कार्यकर्ता हो चाहे आम आदमी। हमारा आज SP यातायात जितेंद्र श्रीवास्तव से मांग थी, हमने कहा उन लोगों को, जब आज की दुनिया डिजिटल ऑनलाइन की दुनिया हो गई है, अगर आपको किसी का चलान करना है तो आप सीधा मोबाइल से फ़ोटो खींच के चलान कर सकते हैं, लेकिन इनके पुलिसकर्मी जो काम करते हैं वो लोगों को साइड में लगाते हैं और उनसे बार्गेनिंग करते हैं, जब बार्गेनिंग में पैसे तय हो जाते हैं छोड़ दिया जाता है, जो पैसे नहीं देता उसका चलान कर दिया जाता है। दूसरा, पोल्यूशन का 10,000 रुपये का चलान बताते हैं, हमने कहा आप आम आदमी का तो 10,000 रुपये करेगा, जिनके स्कूटी की कीमत ही 20,000 रुपये की होगी, लेकिन जो डग्गा मारे बसें चल रही हैं, जो 3-व्हीलर चल रहे हैं, जो छोटा हाथी चल रहे हैं, जो एक एक दो दो तीन तीन किलो धुआं हवा में फेंक रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों चारों तरफ इन्होंने आकार मचा रखा है, क्या नाम है ई रिक्शा और 3-व्हीलर वालों ने। तो इसमें हमने आज कहा कि लगातार इन्हीं विषयों को लेके कई बार आप लोग कहते हैं और संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिष्टाचार रूप में जाता है, लेकिन जिस तरह पुलिस की कार्रवाई जाएगी, एक नेता के पास लोग जाएंगे तो वो तो बात करेगा ही, उसका क्वेश्चन करना ही है ना, अपनी सरकार है। हमने कहा 2024 का चुनाव पास में है, आम जनता में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, और एक तरफ तो पुलिस की छवि कानून व्यवस्था में पूरा उत्तर प्रदेश का नमूना पूरे विश्व भर में दिया जा रहा है, दूसरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस क्रांतिकारी मेरठ भूमि पे जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आज SP ट्रैफिक साहब ने इसमें हमें आश्वासन नहीं, सीधा कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, 100% जो पोल्यूशन जो डग्गे मारे बस होंगी वो बंद होंगी, किसी भी हालत में पुराने 3-व्हीलर नहीं चल पाएंगे, और जो भी ऐसे पुलिसकर्मी किसी भी घटना में लिप्त पाए गए हैं, रोकने में लिप्त पाए गए हैं, पैसों की किसी घटना में हो, सब पे निलंबन की कार्रवाई होगी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।